आक्षेप की जी में स्वागत करती हूँ। तो आप जो आज यहाँ पे सोना सर का पी जी सर के साथ जो ज्वाइन किया, इसका कारण क्या रहा थोड़ा प्रकाश डालिए। एक्चुअली मैं हमारे क्षेत्र के जिला परिषद रहा हूँ, तो मेरे जिला परिषद रहते मैं ये महसूस करता हूँ कि ऑपोजिशन में रह के मैं अपने लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकेगा। मैं चाहता हूँ कि इस बार रूलिंग में रह के अपने लोगों को आगे पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए मैं सोना साहब जी का साथ हूँ। आपके कुछ मैंने व्हाट्सएप पे कुछ आपकी कुछ बात देखी थी कि आपने कांग्रेस में भी आप ज्वाइन किया, तो फिर आज यहाँ पे बीजेपी विधायक के साथ आप ज्वाइन किया, इसका माजरा कुछ समझ में नहीं, आप थोड़ा इसको अच्छे से देखिए। ये सही अच्छा क्वेश्चन है। कांग्रेस में हम 15 साल रहा है कांग्रेस में आज तक का, तो यहाँ से कांग्रेस में रह के हमको ये महसूस हुआ कि हमारा ये अरुणाचल पॉलिटिक्स है, जैसे जैसे दल बदलता है ऐसे ऐसे हमारा बड़ा नेता लोग भी बदलता है अपना। तो हम तो छोटा मोटा एक जिला के अध्यक्ष है हमारा पार्टी में, मैं प्रेसिडेंट रहा, फिर भी हम देखता है कि रूलिंग का साथ रहे बिना हम काम नहीं कर सकता। यही है मेरा सोच कि हम आज बीजेपी के साथ हाथ मिला के काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस से रिजाइन पत्र दे दिया और मैं आज बीजेपी ज्वाइन किया पी डी सोना के लीडरशिप में। आपको श्योर है कि ये अभी आगामी विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल होंगे, अभी 2024 में भी वही विधायक बनेंगे आपको लगता है? हाँ, हमको ऐसा लगता है कि हमारा इस बार भी बीजेपी आएगा, क्योंकि हमने दो तीन इलेक्शन हमारे राज्य में देखा है, वहाँ कांग्रेस का तो बिल्कुल आ नहीं सका, बहुमत नहीं मिल सका, और जहाँ भी देखता है बीजेपी का ही शायद रास्ता दिखाई देता है। तो ये हम चाहता है कि बीजेपी का नेत्र में रह के क्षेत्र छाया में रह के मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि बीजेपी अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू।